तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो इंडिया सीनियर वुमेन्स T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसका भाई आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 15वां मैच जो कि खेला जाएगा कर्नाटका वुमेन्स वर्सेस दिल्ली वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा है, सिर्फ 1 घंटा 19 मिनट बचे हैं जब आप मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब आपको वीडियो मिलेगी ना तब ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि मैच स्टार्ट होने में सिर्फ 40 मिनट बचे होंगे। तो जब भी आपको वीडियो मिले ना वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, और वीडियो को भाई ध्यान से समझ जरूर लीजिएगा, अदरवाइज भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका इस वीडियो पर आने का। और देखिए अगर आप इस मैच में एक पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो 10 मिनट या फिर 8 मिनट शांति से बैठ जाइए, क्योंकि 10 या 8 मिनट की वीडियो होगी और आप 10 या 8 मिनट बैठ के वीडियो देख लीजिए, इजीली भाई आप इस मैच में काफी अच्छी विनिंग करके जाने वाले हो। तो चलिए भाई बात करते हैं इस मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले भाई बात करेंगे यहाँ पर मैच की टाइमिंग की, तो 8:30 पर मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में मैच खेला जाएगा, और ये भाई सौराष्ट्र का ही ग्राउंड है जहाँ पर मोस्टली मैचेस खेले जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आफ्टर टॉस मैं आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि लाइन अप्स आने के बाद ही भाई फाइनल टीम आ पाएगी। अब भी भाई हम सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात करेंगे, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM321। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना, मैं एक बार आपको सर्च करके यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ठीक है, @KPM321। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और आपको यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। अभी करंटली बात करें तो भाई 5.8K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मे बी आपको यहाँ पर 5.8K या फिर 5.9K की फैमिली दिखेगी। तो जहाँ जब भी मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो भाई न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 120 से 140 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की अगर बात करें तो वेदर भाई बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कर्नाटका वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेंगे दिव्या गनडा, यहाँ पर भाई इन्होंने एक मैच खेला और 23 रन बनाए। इसके अलावा भाई जो सुभा सतीश है इन्होंने 2 मैच खेले और भाई यहाँ पर 85 रन बनाए, ठीक है, ये इस टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स है भाई सारे, मतलब और कहीं के नहीं, ये इस टूर्नामेंट में इन्होंने क्या कुछ किया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वृंदा दिनेश की बात करें 2 मैच में 29 रन बनाए। वेदा कृष्णमूर्ति की बात करें तो भाई 2 मैच में 23 रन बनाए। निक्की प्रसाद की बात करें 2 मैच में 41 रन है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए बॉलर और ऑलराउंडर स्टार्ट होंगे। आदिति राजेश की बात करें तो 1 मैच में भाई इन्होंने 7 रन बनाए। मोनिका पटेल की बात करें तो भाई आप यहां पर देख सकते हो 2 मैच में 1 विकेट निकाला। इसके अलावा भाई जो चलूरू प्रत्युष है इन्होंने 2 मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा यहां पर चंदू वेंकटेशन अप्पा की बात करें तो भाई 2 ओवर में 5 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा भाई जो संजना बाटनी है ये भी इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। इसके अलावा भाई जो आकांक्षा कोहली है इन्होंने भी यहाँ पर कुछ खास नहीं किया। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर बात करें तो एक तो भाई आपके लिए यहाँ से सुभाष सतीश इंपॉर्टेंट रहेगी, दूसरी भाई ऐसे वृंदा दिनेश और वेदा कृष्णमूर्ति, ये 3 प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऊपर से भाई दिव्या अगरानंदा को आप जीएल में निजीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बॉलिंग में अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपके लिए 2 प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चल्लूर प्रत्युषा, इसके अलावा भाई जो चंदू वेंकटेशप्पा है ये भाई आपके लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वही अगर बात करें दिल्ली वुमेन्स की तो प्रिया पुनिया की बात करें 2 मैच खेले भाई 140 रन बनाए, गजब, अकेले दम पर भाई काफ़ी अच्छा स्कोर करने लग रही है और इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगी ही रहेगी। वहीं अगर बात करें श्वेता सहरावत की तो 2 मैच में 36 रन इन्होंने बनाए। लक्ष्मी यादव विकेट कीपिंग करेंगी, 2 मैच में भाई इन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए। प्रतीका रावल की बात करें तो 1 मैच खेला भाई 6 रन बनाए। इसके अलावा भाई जो सिमरन बहादुर है इनकी बात करें 2 मैच में 17 रन है। आयुषी सोनी की बात करें तो भाई 2 मैच में 17 रन, 2 विकेट, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन भाई इस सीज़न थोड़ी सी डाउन चल रही है परफॉर्मेंस। सेम भाई सोनी यादव के लिए बोलूँगा, 2 मैच में भाई यहाँ पर इन्होंने 2 विकेट निकाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर लेकिन भाई इस सीज़न कुछ खास अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात करें तनिषा सिंह की तो 2 ओवर डाले और भाई विकेटलेस रही और 8 ही रन बनाए। इसके अलावा सेम भाई बबीता नेगी 2 ओवर में मतलब सॉरी भाई 2 मैच में 1 रन है और भाई विकेटलेस रही है।
सॉरी भाई, प्रिया मिश्रा की बात करें तो भाई 2 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा भाई जो परुनिका सिसोदिया है इनकी अगर बात करें तो 2 ओवर में 1 विकेट इन्होंने भी निकाला है। तो ये थे भाई दोनों टीम्स के प्लेयर्स के रिसेंट स्टैट्स। बाकी अगर इनके अलावा कोई और खेलेगा तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब चलिए भाई हम बात कर लेते हैं डेमो टीम की। लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं, फाइनल टीम के लिए तो भाई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जिस भी भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM321। मैं अगेन एक बार आपको सर्च करके ऐसे दिखा देता हूँ, @KPM321। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। तो 1 घंटा 13 मिनट बचे, जब आपको वीडियो मिलेगी तब बहुत कम टाइम बचेगा, तो भाई वीडियो ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से बात करें, लक्ष्मी यादव भाई टॉप ऑर्डर में खेलेगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, मैं जरूर से अपनी टीम में ट्राई करूंगा। वही अगर बात करें यहां से वेदा कृष्णमूर्ति, प्रिया पुनिया दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा अगर दिव्या गन्नडा की बात करें तो भाई ट्राई कर सकते हो, टॉप ऑर्डर में खेलने वाली इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, बट अभी के लिए मैं ऐसे सहरावत के साथ जा रहा हूँ। वहीं अगर बात करें ऐसे और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर मेरे को लगा नहीं। वहीं अगर बात करें ऐसे आयुषी सोनी को अपनी टीम में जरूर ट्राई करेंगे। इसके अलावा सोनी यादव को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा। वहीं अगर बात करें तो थोड़ा सा नीचे चल के आप सतीश को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो एक मिनट भाई यहाँ से आकांक्षा कोहली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, हालांकि इस मैच में अभी तक परफॉर्मेंस इतनी नहीं आई है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहने वाली है। या फिर आप ऐसे ट्राई कर सकते हो तनिषा सिंह को, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, लास्ट मैच में विकेट लेकर इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई आप ट्राई कर सकते हो बी नेगी को, एम पटेल को, इसके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ अगर खेलती है तो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगी, बट रामेश्वरी गायकवाड़ शायद भाई आपको ना खेलते नजर आए। वहीं अगर बात करें यहाँ से आपके लिए परुनिका सिसोदिया इंपॉर्टेंट रहेंगे, और परुनिका सिसोदिया को आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा सी वेंकटेशप्पा को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की टीम हमारी होने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होगा ना तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। CVC की यहाँ से बात करें तो कैप्टन भाई यहाँ से मैं अभी के लिए प्रिया पुनिया को दे रहा हूँ, और VC की बात करें तो भाई सोनी यादव को दे रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो CVC में आप वेदा कृष्णमूर्ति और आयुषी सोनी इनको भी आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको आप जरूर से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा वेंकटेशप्पा ने भी इस मैच मतलब अभी तक पीछे परफॉर्मेंस दी हुई है, तो भाई यहाँ पर आप ट्राई इसे जरूर से एज ए CVC कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं कैप्टन दे रहा हूँ यहाँ से प्रिया पुनिया को, और VC भाई चलो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ वेदा कृष्णमूर्ति को। फाइनल टीम में भाई VC मेरा चेंज होता हुआ दिख सकता है, उसकी अपडेट आपको आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के लिए अगर टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है। बाकी मतलब ये मान लीजिए कि टॉस के बाद बड़े चेंजेस आपको टीम में देखने को मिल सकते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भाई आपको थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पर भाई इस टीम के साथ आप अभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, बाकी फाइनल टीम के साथ फिर भाई आप टीम को चेंज कर लीजिएगा। अब चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना। देखिए दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM321। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।